Hello friends, how are you all? Today we will start a new topic, that is phylum Chordata. Okay, but before starting this topic, first of all I would like to tell you about notochords. Okay, I have told you about notochords, but again I am telling about notochords. Okay, notochord is a skeletal structure, or simply means that notochord is a rod like structure that is located at backside or dorsal side of animal's body. Okay, notochord develops into the vertebral column that gives support to skeleton. Okay, that is made up of by bones and cartilage. तो आप समझे बेटा, जो notochord होता है, ठीक है, rod like structure है, ठीक है, वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, एट बैक साइड ऑफ एनिमल्स, ठीक है. notochord develops into the vertebral column. Okay, and this vertebral column provides support to endoskeleton system that is made up of by bones and cartilage. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था बेटा, on the basis of notochord there are two types of animals कि जिनके अंदर notochord present होती है उनको हम बोलते हैं बेटा chordates. ठीक है, और जिनके अंदर notochord absent होती है these animals are known as non-chordates. okay, तो आप समझे कि on the basis of notochord there are two kinds of animals, chordates and non-chordates. ठीक है, अब हमने जितने भी जो पढ़े थे बेटा animals के बारे में वो सारे क्या थे बेटा, नॉन कोर्डेट्स. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा कोर्डेट्स के बारे में. ठीक है, दैट कंसिस्ट नोटोकॉर्ड दैट डेवलप्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. ओके, लेट्स स्टार्ट. कोर्डेट्स, कोर्डेट्स पजेस सम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड दीज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डिफाइन फाइलम कोर्डेटा. ओके, बात करें कोर्डेट पजेस नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरिंगल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल्स. ठीक है, बताया जस्ट अब आपको मैंने कि जो ये फोर फंडामेंटल, जो फोर एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं, दे प्रोवाइड हेल्प टू डिफाइन फाइलम कोर्डेट्स. ठीक है, तो अब देख लें, अब जैसे नोटोकॉर्ड है, बताया जस्ट आपको मैंने कि नोटोकॉर्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज लोकेटेड एट बैक साइड ऑफ एनिमल्स बॉडी. ओके, इट डेवलप्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम दैट गिव्स सपोर्ट टू एंडोस्केलेटन सिस्टम. सेकंड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड. ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड डेवलप्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, अब आपको पता है बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, ब्रेन कंसिस्ट cranial nerve cells and spinal cord consists of spinal nerve cells. Okay, and you know very well what is the role of nerve cells. Nerve cells take outer information and transfer into the brain. ठीक है, और brain consists of central nervous system. पता है आपको चीज का, फिर क्या होता है, जो brain होता है ना, brain send signal against these outer information for response. ठीक है, तो आप समझे इस चीज को. तो जो मैंने आपको कैरेक्टर्स बताया, एनाटॉमिक कैरेक्टर्स, एक तो कौन सा, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए प्रोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. ठीक है, दूसरा, दे हैव डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड दैट डेवलप्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब इतना ध्यान रखें. अभी फिर हम बात कर रहे हैं पेयर्ड फेरिंगल स्लिट्स. ओके, दीज फेरिंगल स्लिट्स आर ओपनिंग. ओके, एंड दे अकर्स बिटवीन फेरिनेक्स और थ्रोट एंड आउटसाइड. ओके, इन प्रिमिटिव कोर्डेट्स दीज ओपनिंग्स और फेरिंगल स्लिट्स एक्ट्स एज ए फिल्टर. ठीक है, टू फिल्टर फूड मटेरियल्स फ्रॉम वाटर. ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे जो फेरिंगल स्लिट्स होती हैं, दे आर ओपनिंग्स एंड दे अकर्स बिटवीन थ्रोट और फेरिनेक्स एंड आउटसाइड. ठीक है, और बता चुका हूं कि जो प्रिमिटिव कोर्डेट्स थे उनके अंदर ये काम करता था एज ए फिल्टर. ठीक है, टू फिल्टर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर. ये हम समझे. और जो फोर्थ एनाटॉमिकल फीचर्स है कोर्डेट्स का, वो क्या होता है, पोस्ट एनल टेल. ठीक है, तो अब ये देखिए, पोस्ट एनल टेल जो अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इन केस ऑफ ह्यूमन पोस्ट एनल टेल अकर्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, बाकी एडल्ट स्टेज जब आती है तो ये प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल्स की, मतलब ह्यूमंस की बॉडी में. ठीक है, तो ये फोर एनाटॉमिकल फीचर्स थे बाय विच वी कैन इजीली डिफाइन कोर्डेट्स. ठीक है, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्डेट्स. ठीक है,
कि अब कॉर्डेट्स जो है एनिमल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट तो है बेटा बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं देशो बायलैटरल सिमेट्री, ओके। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट बायलैटरल सिमेट्री, इफ सिंगल प्लेन और वन प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस देन द बॉडी ऑफ एनिमल्स डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ओके। ये सब ह्यूमंस का एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अगर एक सिंगल प्लेन को हम पास करेंगे थ्रू सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, तो हमारी बॉडी बेटा टू इक्वल पार्ट्स में लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि हम कोऑर्डिनेट्स हैं, हम क्या शो कर रहे हैं, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्किन लेयर और जर्म लेयर्स वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे हैव थ्री स्किन लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। जो एक्टोडर्म है इट इज आउटर स्किन लेयर, मीजोडर्म मिडिल स्किन लेयर, एंडोडर्म इनर स्किन लेयर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, वी आर सिलोमेट्स बिकॉज वी हैव ट्रू बॉडी कैविटी। बताया था आपको मैंने कि जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी और सिलोम, इट इज अकर्स बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्रिक एनाल, ठीक है। जो बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्रिक एनाल है उसके बीच में क्या पाई जा रही है बेटा, बॉडी कैविटी और सिलोम, ठीक है। और इसी बॉडी कैविटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स इंटरनल ऑर्गन्स अकर्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो किस तरह का है, ठीक है। तो वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। मेनी सेल्स डिसिमिलर एंड सिमिलर सेल्स मेक टिश्यू, टिश्यू मेक ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम दैट प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स बॉडी, ठीक है। तो वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसके कॉर्डेट्स के, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। बताया था स्टार्टिंग में आपको कि जो कॉर्डेट्स होते हैं दे हैव नोटोकॉर्ड दैट डेवलप्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है। फर्स्ट बताइए हम कॉर्डेट के अंदर बेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ठीक है। सेकंड करेक्टर की हम बात करेंगे बेटा कि फेरिंस परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है बताओ गिल स्लिट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वो जब ध्यान लगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट किसमें, कॉर्डेट्स के अंदर, नोटोकॉर्ड एब्सेंट किसमें है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। और जो फेरिनेक्स है परफोरेटेड, परफोरेटेड क्या होता है, मतलब होल्स होना, ठीक है, छेद वाला, गिल स्लिट्स, ठीक है, जो हेल्प करता है फॉर रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनके अंदर गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कि जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट्स की, जो मतलब अलग करती है कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से, वो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो एंड सिंगल, ठीक है। इनके सो कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर CNS इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, ठीक है।
और जो फोर्थ कैरेक्टर आ रहा है इज वेंट्रल एंड इफ हर्ट इज प्रेजेंट इन नॉन कोडेड्स तो क्या होगा हर्ट इज डोर्सल इन केस ऑफ नॉन कोडेड्स ठीक है हर्ट इज डोर्सल ठीक है इफ प्रेजेंट तो ये क्या मतलब कुछ डिफरेंस है बिटवीन कोडेड्स और नॉन कोडेड्स के बीच में ठीक है अब हम बात कर रहे हैं कि जो कोडेड्स होते हैं कोडेड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम्स ठीक है एंड दीज सब फाइलम्स आर यूरोकोडेटा दैट इज आल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा ओके सेफलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेट्स ठीक है तो आप ध्यान दें फर्स्ट जो यूरोकोडेटा है फाइलम ठीक है इसके अंदर क्या होता है जितने जो एनिमल्स आते हैं नोटोकोड कंसिस्ट दे आर नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल या ध्यान रखें ठीक है जितने जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा से ठीक है उनके नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है बट ओनली इन लार्वल टेल ठीक है फिर हम बात कर रहे हैं सेफलोकोडेटा की ठीक है सेफलोकोडेटा में जितने जो एनिमल्स आते हैं ठीक है उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है नोटोकोड एक्सटेंड्स फैली होती है फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू द लाइफ ठीक है पूरे जीवन उनके अंदर उनका नोटोकोड प्रेजेंट होती है ठीक है और नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल ठीक है थ्रू आउट लाइफ फिर हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की हम लोग किसमें आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर बिकॉज वी हैव वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन दैट इज मेड अप ऑफ बाई बोन्स एंड कार्टिलेज ठीक है तो क्या था कि नोटोकोड इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम ओके दैट इज मेड अप ऑफ बाई कार्टिलेज कार्टिलेज क्या होते हैं फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं ठीक है और बोन्स इनसे भी होती है वर्टिब्रल कॉलम ठीक है अब इसके बेस पर आपको देख बताऊं आपको बात में ठीक है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट नॉट ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स समझे आप इस चीज को कि जितने भी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे ऑल आर कोडेट्स बट नॉट ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स ठीक है तो हम बात कर रहे हैं बेटा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ठीक है वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होगा बेटा कि कोडेट्स तो होती हैं ठीक है अब इनके अंदर भी कैरेक्टर्स आप ये ध्यान रखें कि जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर भी जैसे ना टू चैम्बर थ्री चैम्बर और फोर्थ चैम्बर ठीक है मसल ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड हर्ट और सिंपली यू कैन से दैट दे हैव टू थ्री और फोर चैम्बर हर्ट ठीक है इनके अंदर क्या होता है बेटा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं टू एक्सक्रिएट वेस्ट मेटल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ओके दे हैव फिन्स एंड अ लिम्स फॉर लोकोमोशन ठीक है अब इसमें फिशेज की बात कर रहे हैं ठीक है तो जो फिशेज होती हैं दे हैव डोर्सल फिन्स पेक्टोरियल फिन्स पेल्विक फिन्स कॉडल फिन्स ठीक है बाय द हेल्प ऑफ दीज फिन्स दे इज नो स्विमिंग और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लोकोमोशन ठीक है और जो टेट्रापोड्स होते हैं ठीक है टेट्रापोड्स में विंग्स भी आ रहे हैं ठीक है एनिमल्स भी आते हैं हम लोग भी आ रहे हैं ठीक है वी हैव लिम्स बताया था ना आपको मैंने जैसे हम लिम्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो लिम्स हैं जिनको बोलेंगे फोर लिम्स क्या हमारे हैंड्स हैं और जो हिंडी लिम्स हैं क्या पैर हैं ठीक है तो वी शो लोकोमोशन बाय द हेल्प ऑफ लिम्स ठीक है अब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की तो आप देखें वर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरीज ठीक है फर्स्ट है एग्नेथा एंड सेकेंड ग्नेथोस्टोमेटा ठीक है अब क्या मतलब जो एग्नेथा है ठीक है इसके अंदर जितने भी मतलब एक्वाटिक एनिमल्स आएंगे ठीक है वो क्या कहेंगे लैक्स जॉ मतलब उनके पास जॉ नहीं होता है ठीक है दे डू नॉट हैव जॉ ओके और जो एग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं बेटा दो कैटेगरीज हैं इसकी भी ठीक है ये सुपर क्लासेस हैं ठीक है दे बियर्स जॉ ये क्या रखते हैं जॉ रखते हैं ठीक है जो किसके अंदर आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर ठीक है और जो एग्नेथा के अंदर आते हैं बेटा दे डू नॉट हैव जॉ ओके तो अब ये भी डिवाइड दो में हो रहा है पिसीज के अंदर और टेट्रापोड्स के अंदर ठीक है तो पिसीज की भी क्लासेस दो हैं कॉन्ट्रिकेट्स ठीक है कॉन्ट्रिकाइट्स एंड ऑस्टिकाइट्स ठीक है इनके अंदर हम पढ़ेंगे फिशेज के बारे में ठीक है
और टेट्रापॉड्स के अंदर भी चार कैटेगरीज आ रही है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमिलिया। ठीक है, अब क्या करते हो दोबारा आप समझे इस चीज को, कंफ्यूज ना हो। वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटम। समझे, अब जो एग्नेथा के एनिमल्स आते हैं दे डू नॉट हैव जो, ठीक है, जो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं दे हैव जो, इतना समझ में आपको आया। तो मैं कह रहा हूं कि एग्नेथा के अंदर क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, इस क्लास के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं। ठीक है, और जो एग्नेथोस्टोमेटा होता है, ठीक है, इट ऑल्सो डिवाइड इंटू टू क्लासेस पिसेस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, पिसेस के अंदर भी, पिसेस एक सुपर क्लास है, ठीक है, इस ये भी डिवाइड है दो क्लासेस के अंदर, कॉन्ड्रिकाइट्स इसके अंदर भी फिशेज आएंगे बेटा, ठीक है, और ऑस्टिकाइट्स, ठीक है, इसके अंदर भी फिशेज आएंगे, ठीक है, और जो टेट्रापोड्स होते हैं, टेट्रापोड्स मींस दे हैव फोर लिम्स, ठीक है, उनके अंदर बेटा एम्फीबियंस आ रहे हैं, रेप्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है, एविस आ रहे हैं और मैमल्स आ रहे हैं, ठीक है, इनकी भी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम डीपली स्टडी करेंगे हर एक क्लास की। ठीक है, जैसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं किस तरह के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके, तो बोल रहे बेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। ठीक है, बताता आपको मैंने कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरीज, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अब जो एग्नेथा के अंदर पहली क्लास है वो कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा टर्म इज मेड अप ऑफ बाई टू वर्ड्स, साइक्लोस प्लस स्टोमेटा। हियर साइक्लोस मींस सर्कुलर एंड स्टोमेटा मींस माउथ। ओके, तो आप समझे इस चीज से कि जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं बेटा साइक्लोस्टोमेटा क्लास से, दे हैव सर्कुलर माउथ। ठीक है, और मेनली बेटा इसमें फिशेज आएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, तो जो फिशेज हैं दे हैव सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ठीक है, फिर आप देखें कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स मे बी मैरिन और फ्रेश वाटर। ओके, कि जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं फ्रॉम क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ओके, दे सर्वाइव इन मैरिन वाटर एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन फ्रेश वाटर। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। फिर आप देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। ठीक है, दे एक्ट एज ए एक्टोपैरासाइट्स। आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, कि जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं बेटा दे एंटर इनटू द होस्ट सेल्स फॉर गेटिंग नरिशमेंट। ओके, बट इन केस ऑफ एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं बेटा दे सर्वाइव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, तो जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा से दे एक्ट एज ए एक्टोपैरासाइट्स ऑन अदर फिशेज। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि दे हैव 6 to 15 gill slits for respiration. ठीक है, their body is divided into two regions, trunk and tail. ठीक है, they have soft and smooth skin. They have circular mouth. बता चुका हूं आपको मैं कि जितने भी जो fishes हैं जो belong करती हैं class cyclostomata से, they have circular mouth without jaw. ठीक है, उनके जबड़ा नहीं होता है फिशेज के अंदर। ठीक है, माउथ इज सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। ठीक है, जो सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जो, इट इज सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ अदर कैरेक्टर्स की, स्केल्स आर एब्सेंट। ठीक है, स्केल्स, कई बार आप देखो फिशेज जो स्किन होती है इट हैज मेनी स्केल्स। ठीक है, जैसे मतलब छिलन छिलन सी नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये फिश होगी, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्टोमक होता है इट इज एबसेंट। ओके, इसोफेगस, इसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो इसोफेगस होती है, इसोफेगस डायरेक्टली ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन।
समझ रहे हैं आप। इसमें बताया मैंने आपको अभी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके अंदर, इट लैक्स स्टोमक, ओके, इसोफेगस डायरेक्टली ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं हर्ट की, ठीक है, जो हर्ट होता है पेट के अंदर, ठीक है, वो होता है टू चैम्बर्स, ठीक है। देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ हर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ चैम्बर्स, ठीक है। सम एनिमल्स हैव टू चैम्बर्ड हर्ट, सम एनिमल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट, सम एनिमल्स हैव फोर चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है। जैसे हम क्या रखते हैं, फोर चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है, बताऊंगा बाद में आपको अभी मैं, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि जो ये फिशेज होती हैं, जो बिलोंग करती हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा से, दे हैव टू चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है। एंड टू चैम्बर इसलिए बोला है कि एक तो होता है इसमें ओरिकल्स, आर्ट्रियम बोल सकते हो आप उसको, एक होता है वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये दोनों, एक आर्ट्रियम दूसरा वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टू चैम्बर हर्ट, ओके। एंड दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, आई हैव टोल्ड यू इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो जो ब्लड की सप्लाई होती है इनटू द ईच एंड एवरी सेल, इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। This type of circulatory system is known as closed circulatory system. Okay? फिर हम बात कर रहे हैं excretion की, ठीक है, कि जो waste materials बाहर निकलते हैं from the body, they have two mesonephric kidneys, ठीक है, यानी कि जो two mesonephric kidneys होती हैं, they act as a excretory organs to release waste materials from outside the body. Okay? After this, we'll study about the nervous system. Okay? These animals that belongs to class Cyclostomata, they have nervous system and they have brain and dorsal nerve cord. Okay, they have cranial nerve cells. You know very well, brain consists of cranial nerve cells. Okay, and about 8 to 10 pairs of cranial nerve cells occurs in the brain of these animals. They have nervous system. It includes brain and dorsal nerve cord. Okay. From that, they also have vertebral columns. Okay. Cartilaginous vertebral columns that consist of flexible bones. And these flexible bones are known as cartilage. Okay. From that, reproductions. Okay. They show sexual reproduction. And these animals that belongs to class Cyclostomata, they are dioecious or unisexual organisms. You know very well, unisexual organisms are those organisms that have separate sex, ठीक है, कि male इनमें अलग होती है, female अलग होती है, ठीक है, यानी कि both male and female organs separate, ठीक है। तो these animals are dioecious or unisexual organisms. Okay, they show external fertilization, ठीक है, आपको पता है बड़ा जब फ्यूजन होगा, जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का तो जायगोट बनेगा, ठीक है। अब इसमें कि लेकिन आप इतना समझें कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, द फ्यूजन होगा मेल और फीमेल जायगोट, मेल और फीमेल गैमेट्स का, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, ओके, समझ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है बेटा, कि जो इनके अंदर डेवलपमेंट होती है, इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। And you know very well about indirect development. When egg is hatched, then first of all larva stays formed, and larva develops into the adult after a period. It is called indirect development. ठीक है, समझे आपसे। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, जो cyclostomes होते हैं, you know very well they are marine animals. They survive in marine water. Okay, but they migrate for फैटनिंग टू फ्रेश वॉटर, ठीक है। जब इनको एग्स लेज करना होता है, ठीक है, तो ये कहां जाते हैं बेटा, फ्रेश वॉटर के अंदर जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और फ्रेश वॉटर में जो है एग इज हैच्ड, लार्वा इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो लार्वा फिर क्या है बेटा, अच्छा, जब ये एग्स निकाल देते हैं, ठीक है, और जब लार्वा बन जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, दीज साइक्लोस्टोम्स डाई, ये मर जाते हैं, ठीक है। एंड लार्वा डेवलप्स इनटू द एडल्ट, ओके, इनटू द फ्रेश वाटर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। बताया था आपको मैंने कि जब लार्वा डेवलप होता है एडल्ट के अंदर, तो जो बीच का पीरियड है ना बेटा, डेवलपमेंट पीरियड, इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है।
आफ्टर बिकमिंग एडल्ट दीज एनिमल्स अगेन माइग्रेट टू मैराइन वॉटर। समझे आप इस चीज को? ठीक है, कि जो साइक्लोस्टोमियंस होते हैं, ठीक है, दे ले देर एग्स इनटू द फ्रेश वाटर। ये मैराइन वाटर से कहां पर आते हैं बेटा? फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है, एग्स लेकर देंगे, ठीक है, एग्स हैच्ड होगा, लार्वा बनेगा, उसके बाद ये साइक्लोस्टोमेट्स क्या होते हैं बेटा? मर जाते हैं, ठीक है, फिर लार्वा डेवलप्स इनटू द एडल्ट इनटू द फ्रेश वाटर, ठीक है, और फिर एडल्ट कहां पर आएगा? वापिस वो कहां पर आ जाएगा? इनटू द मैराइन वाटर, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेटा उन फिशेज की जो बिलोंग करती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा की, ठीक है, जो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, और एग्जांपल है बेटा हैग फिश और लैम्प्रे, ठीक है, ये वो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास नहीं, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो दूसरी क्लास थी क्लास कॉन्ड्रिकाइट्स, टॉपिक इज क्लास कॉन्ड्रिकाइट्स, ठीक है, एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रिकाइट्स, दे सर्वाइव इन मैराइन वाटर, ओके, दे आर मैराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओके, और मेनली जो फिशेस आते हैं बेटा इस क्लास के अंदर दे आर कार्टिलेजिनियस फिश, ओके, they have flexible bones in their body organization, okay, that's why they are known as cartilaginous fish, okay, they have cartilaginous endoskeleton system, or in other words we can say that in fishes ka jo endoskeleton system hota hai it is made up of by cartilaginous bones, jo flexible bones hoti hai unse, theek hai, mouth is located ventrally, theek hai, notochord is persistent throughout life, gill slits separate, के इनके अंदर जो gill slits होते हैं they separate without operculum, ठीक है, you should know that what is operculum, operculum is covering that cover gills, ठीक है, कि जो gills को cover करता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? operculum, तो लेकिन इनके जो gill slits होते हैं they separate without operculum, okay, the skin is tough containing minute placoid scales, ठीक है, जो स्किन स्किन होती है फिशेज की वो क्या होती है टफ होती है, एंड स्किन ऑफ दीज फिशेज कंटेन माइन्यूट पैक्लोइड स्केल्स, ठीक है, दीज पैक्लोइड स्केल्स कवर स्किन, ये पूरी स्किन को कवर करके रखते हैं, ठीक है, दे हैव पावरफुल जो बात की थी अपन ने बेटा कि जैसे जो क्लास थी ना अपनी एग्नेथा एंड गनेथोस्टोमेटा, ठीक है, अब ये किससे आते हैं बेटा, ठीक है, ये आती है इग्नो गिनोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है, कि उसके अंदर जो गनेथोस्टोमेटा के अंदर जितने भी जो मतलब एक्वाटिक ये फिशेज आएंगी, ठीक है, ये क्या रखेंगे बेटा, दे हैव जो, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ये क्लास है कॉन्ड्रोकाइट्स इसके अंदर जितने भी जो फिशेज हैं दे हैव पावरफुल जो, ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि दीज एनिमल्स आर प्रेडेसियस, ठीक है, predators are those animals that depends on others, ठीक है, जो ये जो fishes हैं they depend on others for getting nourishment, ठीक है, तो यानी कि जो इनसे small जो animals होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर depend रहती है for obtaining food, तो ये क्या बेटा, these animals are predaceous, ठीक है, फिर एक और समझे, due to absence of air bladders they have to swim constantly, ठीक है, air bladder के लिए absent होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है, ये भी आपको समझना, ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, दे हैव टू चैम्बर हर्ट, ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू इन केस ऑफ टू चैम्बर हर्ट वन ओरिकल्स और आर्ट्रियम एंड वन वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं टू चैम्बर हर्ट, ठीक है, सम ऑफ देम, ठीक है, कुछ जो फिशेज होती है दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ओके, जैसे फिश का नाम क्या है टॉर्पिडो, ठीक है, दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक है, एंड सम फिशेज हैव पॉइजन स्टिंग्स ट्राइगोन, ठीक है, कि जो कुछ फिशेज होती हैं दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक है, टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा महंगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बहुत कम, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है ना दे प्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि उनके प्रेजेंट होता है उनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है और नाम क्या होगा टॉर्पिडो, ठीक है, और कुछ ऐसे फिशेज होती हैं दे हैव पॉइजनस
पॉइजन स्टिंग्स ट्राइगोन, ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ओके, एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू क्लास क्वाड्रिकाइन्स, ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइकिलो थर्मल एनिमल्स, ठीक है, कि मतलब जो इनका बॉडी का टेम्परेचर होता है बेटा, इट मतलब दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ओके, देयर बॉडी टेम्परेचर इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है, तो यानी कि क्या सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फिर बात छोटी अपनी बेटा कि ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर डायोसियस, यानी कि जो सेक्सेस होता है सेक्सेस सेपरेट्स इन दीज एनिमल्स, ओके, दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या शो करते हैं बताइए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एनिमल वेरी वेल, व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, ओके, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दे आर विविपेरस, क्या होते हैं बताइए, विविपेरस होते हैं, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, समझो आप इस चीज को, फिर इसमें क्या होता है कि जो ये फिशेज होती है, ठीक है, मेल जो फिश होती है, मेल फिश का पेल्विक फिन्स बियर्स क्लैस्पर्स, क्या रखता है वो क्लैस्पर्स रखता है, ठीक है, और क्लैस्पर्स क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, एंड दीज क्लैस्पर्स प्रोवाइड हेल्प फॉर मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, जब इनके बीच मैटिंग होती है तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है, क्लैस्पर्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझे कि जो मेल मेल्स होती है, ठीक है, मेल्स के रखते हैं पेल्विक फिन्स है, और पेल्विक फिन्स जो है क्या रखते हैं इनका क्लैस्पर्स रखते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, मैटिंग के अंदर, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल फिश का है, इसको डॉग डॉग फिश का, ठीक है, जो बिलोंग करता है क्लास क्वाड्रोपेड्स, ठीक है, स्ट्रक्चर हम आपके सामने देखें, जिनसे स्विमिंग करते हैं, ठीक है, डोर्सल फिन, पेल्विक फिन, क्लैस्पर्स, जो बिलोंग करती है क्लास कॉन्ड्रोकाइट्स, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑस्टियोकाइट्स के बारे में, ऑस्टियोकाइट्स क्लास के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टियोकाइट्स, ओके, ऑस्टियोकाइट्स इंक्लूड्स दोज फिशेस दैट सर्वाइव इन मैरिन वाटर और इन फ्रेश वाटर, ओके, इट इंक्लूड्स बोथ मैरिन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, ओके, एंड दीज फिशेस हैव बोनी एंडोस्केलेटन सिस्टम, और सिंपली वी कैन से दैट their endoskeleton system is made up of by bones, okay, from mouth to end they have four pairs of gills by which they show respiration which are covered with operculum on each side, theek hai, bataya tha aapko maine bata ki jo gill slits hote hain they are covered by the help of operculum, theek hai, to inke paas four pairs of gills present hote hain jo help karte hain for respiration mein, एंड दे आर कवर्ड विद ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड, ठीक है, दोनों तरफ से, अब बात करें स्किन इज कवर्ड बाई साइक्लोइड स्केल्स और टीनोइड स्केल्स, ओके, दे आर ओवल शेप्ड स्केल्स होते हैं, दे कवर स्किन, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोलॉजी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने बात की थी ना कॉन्ड्रोकाइट्स क्लास के, कि भाई जो फिशेज बिलोंग करती हैं कॉन्ड्रोकाइट्स क्लास से, ठीक है, दे डू नॉट हैव
एयर एयर ब्लेडर्स, ठीक है, समझ रहा हूँ चीज को, एंड दे हैव कॉन्स्टेंटली स्विम, ठीक है, टू अवॉइड सिंकिंग. लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है विच रेगुलेट बायोलॉजी, ठीक है. इनके अंदर क्या होता है, दे हैव टू चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है. एंड यू नो वेरी वेल, पहली बार बता चुका हूँ आपको मैं, जब टू चैम्बर्ड हर्ट की बात चल रही है तो इट मीन्स दे हैव वन ओरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल्स, ओके. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ओके. दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ओके. फिर बात चल रही है कि इन एनिमल्स के अंदर, इन फिशेज के अंदर जो सेक्स होता है, सेक्स इज सेपरेट, ओके. एंड दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ओके. मेनली these fishes that belongs to osteochytes class, they are oviparous, they lay eggs into the water, okay. And in these fishes development is direct, pata hai aapko direct development mein kya hoga, ki when egg is hatched then young one comes out, theek hai, larva stage nahi banti hai na, larva nahi bante hain, is direct development ke andar, theek hai, seedha jab egg hatched hoga तो यंग वन कम्स आउट, ओके. अब जो फिशेज हैं, जो बिलोंग करती हैं इस क्लास से, ऑस्टोकाइट्स हैं, दे आर लेबियो एंड कटला, ओके. अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर टेट्रापोडा के बारे में, ठीक है. इसमें एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, एविस आएंगे, ठीक है, और मैमल्स आएंगे, ओके. थैंक यू.